एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फिक्टोरियल फॉर्म। हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है? फिक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। फिक्टोरियल की हमारे पास फॉर्म क्या होती है? फिक्टोरियल की फॉर्म होती है 2 का फिक्टोरियल ओवर है, इधर आ जाएगा हमारे पास 4 का फिक्टोरियल, यहाँ फिर हमारे पास हो सकती है 9 का फिक्टोरियल ओवर 7 का फिक्टोरियल। ये हम ओवर की फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे फिक्टोरियल की फॉर्म में। और ये हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में पड़े हुए हैं? ये भी हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में पड़े हुए हैं। हमने इसको किस फॉर्म में लिखने हैं? हमने इसको लिखने हैं फिक्टोरियल की फॉर्म में। अब हम इसको फिक्टोरियल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले देखिए ये हमारे पास क्या है 654, ठीक है, ये हमारे पास क्या है 654। याद करेंगे हमारे पास, अगर हमारे पास होता था 5 का फिक्टोरियल, ठीक है, जब हम इसके अरेंजमेंट करते तो इसकी अरेंजमेंट क्या आती थी? 5 4 3 2 1, ठीक है, फिर हम इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखते थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या वैल्यू आती थी? हमारे पास आता था 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास आ जाता था 120, ठीक है। जब हमने 5 का फिक्टोरियल देखा, 5 के रिड्यूसिंग वैल्यूज देखी, हमारे पास क्या आंसर आया? 120। अब हमारे पास ये वाला आंसर पड़ा हुआ है, ये, ठीक है, यानी कि ये 5 से शुरू हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है। तो हम इसको क्या करें? यहां पे हमारे पास 4 पे ये एंड हो रहा है, लेकिन होना कहां पे एंड चाहिए था? इसको एंड होना चाहिए था 1 पे, ठीक है। तो हम इसको क्या करें? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि 654, ठीक है, 3 × 2 × 1, ठीक है। अब देखें, अब हमने ऐड क्या किया? अब हमने ऐड किया 3 2 1 को हमने ऐड किया, क्योंकि हमने इसको किस फॉर्म में पहुंचाना है? इस सारी फॉर्म को हमने फिक्टोरियल की फॉर्म पे पहुंचाना है। तो देखें, अब हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं किस तरह से? क्या चीज हमने ऐड की है? 3 3 2 1, और इसी की कंपनसेशन के लिए मैं यूज कर सकता हूं 3 2 1। अगर मैंने नोमिनेटर में ऐड किया है तो फिर हम डिनोमिनेटर में भी ऐड करेंगे ताकि हमें 1 पे पहुंचाना है। और इस तरह हम लिख सकते हैं 6 का फिक्टोरियल और इधर 3 का फिक्टोरियल, और यही मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है। अब देखें, अब इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपने क्या करना है? इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए यार आपको क्या लेके जाना है? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखें 12 11 10 9, आपने क्या करना है? 10 9 के बाद फिक्टोरियल की फॉर्म में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में क्या आएगा? 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 3 2 1 तक जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ 10 के बाद एक ही वैल्यू लिखते हैं। हमें पता है उस 9 के पास क्या क्या मौजूद है? उस 9 फिक्टोरियल के पास, उस 9 के पास 8 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है। तो हम इधर 9 का फिक्टोरियल के साथ डिवाइड भी कर देते हैं, ताकि हमें पता है कि इसके पास 12 है, 10 है, 9 है, 8 है। अगर जब हमने इसको फिक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 12 का फिक्टोरियल ओवर 9 का फिक्टोरियल, ठीक है। इसी तरह हम इधर क्या करेंगे? 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, ठीक है। हमने कहाँ तक पहुँचाना था इसको? 1 तक। तो हम इसको लिखते हैं सिर्फ 16। हमें पता है अब 16 के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, 14 आ रहा है, 13 आ रहा है, गोज टू 3 2 1। अगर हम 16 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हमें पता है कि यार 16 की जो लास्ट रिड्यूसिंग वैल्यू है वो है 1, तो हम इसको ले सकते हैं 20 का फिक्टोरियल ओवर इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 का फिक्टोरियल, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 10 × 9 / 2 × 1, ठीक है। हमारे पास सीक्वेंस देख लें। अगर हमारे पास होता फॉर एग्जाम्पल 5 को हमने लिखना है फिक्टोरियल की फॉर्म में, तो 5 को हमें कहां तक लेके जाना पड़ेगा? तो 5 को हमें लेके जाना पड़ेगा 5 4 3 2 1। तो हम कहते हैं ये हमारे पास है 5 का फिक्टोरियल, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? 10 और 9 को हमने लिखना है फिक्टोरियल की फॉर्म में। फिक्टोरियल की फॉर्म का मतलब क्या है? कि हमने वो वैल्यूज रिड्यूस करते करते कहाँ तक पहुंचना है? 1 तक, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे है 10 और 9। 9 के पीछे क्या आ रहा है? 9 के पीछे आ रहा है आपके पास 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास इससे रिड्यूसिंग वैल्यू जो है वो कहाँ से शुरू हो रही है? 8 से। और इधर डिनोमिनेटर में क्या है? इधर है ओनली 1, तो इसका मतलब क्या है, ये तो पहले ही फैक्टोरियल फॉर्म में पहले ही मौजूद है 2 और 1, इसको तो हम लिख सकते हैं यार 2 का फैक्टोरियल, लेकिन अब इसको नहीं लिख सकते जब तक हमारे पास 8 की सेंस में एक रिड्यूसिंग वैल्यूज अवेलेबल ना हो 1 तक। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 10, 9, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, आगे तो ठीक है, आगे 9 के पास तो हमें पता है हमें कि 8 है, तो हम सिर्फ 8 ही लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 8 के बाद जो वैल्यूज कंटिन्यूली हमारे पास पहुंच रही है 1 तक, तो हम सिर्फ 8 को ही लिख सकते हैं ओवर, इधर हम लिख सकते हैं 2 और 1, जो हमने मल्टीप्लाई किया उसी के साथ हम करते हैं डिवाइड, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल, यानी ये तो हमारे पास सीक्वेंस ऊपर अवेलेबल है, सीक्वेंस तो सारा ही है 10, 9, 8, 10 का फैक्टोरियल ओवर, इधर हम लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल और इधर 8 का फैक्टोरियल, ये हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह इधर क्या है, ये डिस्टर्ब है ना वैल्यूज आपस में 8, 7, 6, तो हम इधर क्या ऐड करेंगे फिर 8, 7, 6, आप देखें पीछे हमारे पास 6 के बाद क्या आ रहा है 5, और फिर अगर हम 5 लिख रहे हैं 3, 2, 1, तो फिर हम नीचे भी लिखेंगे 5। जब हम इसकी क्लोजिंग फॉर्म लिखेंगे, इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या हो जाएगी 8 का फैक्टोरियल ओवर, इधर आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा हमारे पास 5 का फैक्टोरियल। अब देखें 52, 5, 50, 51, 50 एंड 49। अब देखें ये डिस्टर्ब है आपस में, इधर हम क्या करेंगे 52 का फैक्टोरियल 51, इधर आ जाएगा 50 और इधर आ जाएगा 49। अब देखें हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है वो बनेगा फिर 48 से गोज टू 1 ओवर, इधर क्या आ जाएगा 3, 2, 1 और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 48। जब हम इसको क्लोजिंग फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 52 का फैक्टोरियल और इधर हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 48 का फैक्टोरियल। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, इधर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ 5, 4, 5 एंड 6। इसके जो अगले वाले क्वेश्चन है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन है, वो आप लोगों ने लाजमी देखने हैं यार। अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे सारा का सारा मैथ FSC फर्स्ट ईयर अवेलेबल है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता मेरी वेबसाइट मैथ की दुनिया को लाजमी विजिट कीजिएगा।